आज चुनाव आयोग का जो सेल हमारा है और लीगल सेल है उसकी आज कार्यशाला है। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 3-3 लोगों का हमने कमेटी बनाई इस काम को देखभाल करने के लिए, उनकी कार्यशाला आयोजित है। चुनाव आयोग के जो विभिन्न दिशा निर्देश हैं, नए नए निर्देश चुनाव आयोग जारी करते रहती है, उन सब निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रबंधन की जो हमारी टीम है वो चुस्त दुरुस्त रहे, इसके लिए उनकी कार्यशाला आयोजित की गई है। हम चुनाव से जुड़े हुए सभी कानूनी पहलुओं की चर्चा आज करेंगे और अपने जो हमारे प्रबंधक रहेंगे पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में उनको इस बात से अवगत करें। आज 5 बजे आचार संहिता भी लग जाएगा, आज 5 बजे इलेक्शन कमीशन किसी भी है, तो क्या अब सीट शेयरिंग का तो मामला सुलझ गया है, अब कौन कहां से दल कौन सा प्रत्याशी खड़ा करेगा? नहीं, हम लोग तो चुनाव आयोग की घोषणा की प्रतीक्षा लगातार कर रहे हैं, शायद आज प्रतीक्षा घड़ी समाप्त होने वाली है। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, बस चंद दिनों की बात है, सब कुछ आपके सामने। आयोग की घोषणा होगी उसकी तैयारी आप लोग तो है ना, आज तो घोषणा हो जाएगी। अरे भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव के लिए 5 साल से तैयार थी और हम तो केवल चुनाव की तैयारी चुनाव जीतने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हम तो सरकार के माध्यम से जो 5 साल का काम काज है उस काम काज के बल पर लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों का विश्वास जीतते हैं, उस आधार पर फिर से सरकार बनाने की बात करते हैं। कांग्रेस लगातार जो है वो एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रही थी, अब कांग्रेस में ही फूट दिखने लगा है। एक प्रवक्ता ने जिस प्रकार से इस्तीफा दिया और जिस प्रकार से टिप्पणी की है, तो लग रहा है कि अब कांग्रेस से भी लोग बिछुद होने लगे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग। देखिए कांग्रेस के लोग तो आजकल आप एक तरह से कह लीजिए कि बिल्कुल निराश और हताश लोग, और हताशा निराशा में वो इस बात को भूल जाते हैं कि सेना के जवानों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार हमारे जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की धरती पर घुस करके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके ये लोग पाकिस्तान की मदद करने वाले हैं, लोग भूलेंगे नहीं, लोग छोड़ेंगे भी नहीं। महागठबंधन में आज तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ, क्या लगता है महागठबंधन एकजुट रह पाएगा? देखिए महागठबंधन नाम की कोई चीज़ तो बिहार में है ही नहीं, ये आप ही लोगों का बनाया हुआ महागठबंधन है, मैं तो महागठबंधन मानता नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के काम काज के कारण डरे हुए लोग हैं, वे डरे लोगों का डर बंधन है और डरे हुए लोगों से मोदी जी को डरने की कोई जरूरत नहीं।